श्री राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और फिर पुनः निर्माण तक सीमित नहीं है। अयोध्या के श्री राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद न केवल लाखों हिंदुओं की लाशों पर बनी थी, बल्कि एक ऐसी सोच को हमारे सांस्कृतिक विचारों से ऊपर रखने की कोशिश थी, जो बेहद घटिया और बेहद नीच सांस्कृतिक सोच थी। जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई भाई सिंहासन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां अनेकों लुटेरों, बिरादरों और सरदारों ने अपनी सरदारी के लिए अपने ही माता पिता और भाइयों को मार दिया, कहीं अपने ही बाप को उनके अन्य बेटों की लाशों को तोहफे में दिया गया, कहीं भाई भाई का खून करके सिंहासन पर कब्जा पाया। ऐसी परंपरा जो भारत के संस्कृति में कहीं नहीं थी। जहां भाई भाई के लिए त्याग करता है, उस परंपरा को हथियारों द्वारा रची गई परंपराओं के मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। जहां राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, चाहे वो दूसरे राज्य के नागरिक ही क्यों न हो। ऐसी दुर्दांत दुर्मतियों का पदार्पण इस पवित्र धरती पर हो चुका था, जो महिलाओं को सबसे पहले निशाना बना रहे थे, जिनका धर्म और उनकी किताबें उन्हें लूटमार, हत्या, जबरन कब्जा और महिलाओं की आबरू लूटना ही सिखाती थी। आपको क्या लगता है, हम सनातनियों ने यूं ही श्री राम मंदिर को ढहाने दिया होगा? मंदिर में जितने ईंट पत्थर नहीं लगे होंगे, उससे कहीं अधिक महान वीरों ने हमारे मंदिर को बचाने के लिए अपने शीश कटवा दिए थे। कहानी तब से शुरू होती है जब एक क्रूर विदेशी हत्यारा भारत भूमि पर कब्जा हथियाने में सफल हो जाता है। वास्तव में उसका मकसद भारत में ऐसी क्रूर सोच और परंपरा का प्रचार करना था जिसमें किसी की भी हत्या के लिए उसका मूर्ति पूजक होना ही काफी था, जहां किसी भी निर्दोष को केवल इसलिए मार देना उचित था कि वह उनके मजहब का नहीं है। श्री राम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों की संरचना नहीं है, यह मानव मूल्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश है, जिसे मिटाने के लिए सैकड़ों सालों से कोशिश की जा रही है। भगवान राम का जन्म 5000 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यहां हिंदू और जैन धर्म के सैकड़ों स्तूप और मंदिर थे। तथ्य कहते हैं, सन 1527 से 28 के बीच में बाबर के आदेश पर अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया गया। इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब राम जन्मभूमि पर सिद्ध महात्मा श्री श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उसे समय भिंटी के राजा मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने राम मंदिर को टूटने से बचने के लिए युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक बलिदान हो गए, परंतु मंदिर को ना बचा सके। इतिहासकार कनिंघम ने अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखा है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें से गिर जाने के बाद बाबर का सेनापति मीर बाकी मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। अब आप ही अंदाजा लगाइए, मंदिर के एक एक पत्थर के लिए कितने ही वीरों ने अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से लगभग 6 किलोमीटर दूर सनेतु नाम के एक गांव में देवी दीन पांडे ने वहां के आसपास के गांव सराय और जिलों से सूर्यवंशी क्षत्रियों हिंदुओं को एकत्रित किया। फिर से युद्ध हुआ, परंतु देवी दीन पांडे समेत हजारों हिंदू फिर से शहीद हो गए। बाबर की सेना जीत गई, लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुआ, कोशिशें खत्म नहीं हुई। पांडे जी के शहीद होने के 15 दिन बाद हंसवर के राजा रणविजय सिंह ने मंदिर को मुक्त करने के लिए सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ रामलला को मुक्त कराने के लिए मीर बाकी के अनेक शस्त्रों से सुसज्जित विशाल सेना से युद्ध किया, परंतु सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद महाराज रणविजय सिंह की पत्नी जयराजकुमारी हंसावर में अपने पति की वीरगति के पश्चात स्वयं राम जन्मभूमि की रक्षा के कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। 3000 नारी की सेना को लेकर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने भी सन्यासियों की एक सेना बनाई, जो रानी जयराजकुमारी के नेतृत्व में युद्ध लड़ते रहे। काफी समय तक छापामार युद्ध जारी रहा, जिसमें स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराजकुमारी सेना सहित युद्ध में शहीद हो गए। राम जन्मभूमि पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल काल के अकबर की सेना हर दिन के युद्ध से कमजोर होती जा रही थी। आथ अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर श्री राम जन्मभूमि के एक चबूतरे पर छोटा सा मंदिर बनवा दिया। इस कूटनीति से कुछ दिनों तक किसी का रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर भारत से संपूर्ण हिंदुओं का सफाया करने का संकल्प लिया गया।
उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिर को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय के समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी के शिष्य श्री वैष्णव दास जी जन्मभूमि को मुक्ति कराने के लिए लगभग 30 बार आक्रमण किया। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरी के राजा के नेतृत्व में अपने राम जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 और आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए, जिसमें भीटी, हंसावर, खजूरा, डेरा, अमेठी और राजा गुरुदत्त सम्मिलित थे। हारती हुई सेना के साथ वीर चिंताधारी साधुओं की सेना मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और फिर से पुनः राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार हो गया। कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्लेआम मचा दिया। नवाब वाजिद अली शाह के समय हिंदुओं ने पुनः राम जन्मभूमि के उद्धार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर कनिंघम ने लिखा कि इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन 2 रात तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर फिर से कब्जा कर लिया और फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। इतिहासकार कनिंघम लिखता है कि यह अयोध्या इतिहास का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम मलबा था। हिंदुओं ने फिर से अपना सपना पूरा किया और राम चबूतरे को वापस पाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचाई का एक छोटा सा मंदिर बना लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया और फिर से मंदिरों को ध्वस्त करने की कोशिश से चलती रही। यकीन मानिए, ये एक मंदिर का ढांचा नहीं था, बल्कि एक पूरी संस्कृति विध्वंस और संस्कृति सुदृढ़ता की लड़ाई चल रही थी, जहां हिंदुओं की तरफ से अपनी संस्कृति के एक एक इंच को बचाने में जुटा था, वहीं मुगल और मुस्लिम आक्रांता एक एक इंच को विध्वंस करने में लगे हुए थे। 1853 में हिंदुओं का ये आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस बीच बीच हिंदू और मुसलमान को लेकर पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास की ने एक मौलवी आमिर अली के साथ राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया, परंतु कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टीला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। 19 जनवरी 1885 को महंत रघुवर दास जी ने पहली बार फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने यह याचिका रखी थी। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह मंदिर बनवानी चाहिए, क्योंकि यह स्थान प्रभु श्री राम जी के जन्म का स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमान को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को अलग से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ लोगों ने मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमान ने इसका विरोध किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और सरकार ने जन्मस्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस नेतृत्व का जिम्मा भाजपा के लालकृष्ण आडवाणी ने संभाला था। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल के मस्जिद पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमान ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद में राम मंदिर निर्माण का अभियान तेज किया और विवादित स्थल के पास में राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इसे हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 में हजारों भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके हजारों राम भक्तों ने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर के विवादित ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों कारसेवकों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्तों ने 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1990 को बाबरी ढांचे को गिरा कर समतल कर दिया गया।
जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे भी हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश चलाने की मुकदमे की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लग। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा सा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। इसी जगह पूजा अर्चना करके रामशिला की स्थापना कर दी गई। पुलिस के आला अधिकारी मामले को गंभीरता से समझ रहे थे, परंतु गुंबद के आसपास के कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कारियों को पर गोली नहीं चलेगी। 1527 से 28 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवी दीन पांडे के नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध हुआ था। तब से लेकर आज तक 77 युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों हिंदुओं और कारसेवकों की जानें चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी, महारानी राजकुंवर सहित कई अन्य विभूतियों ने भी संघर्ष किया है, लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आज फिर से वह दिन आ गया जब भारत में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। एक बार फिर से हिंदुओं सनातनियों को उनका अधिकार दिया जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने हजारों सालों तक की है। इसके साथ ही आपका ये सेवक इस वीडियो को यहीं विराम देता है। यदि आपकी इच्छा हो तो अपने इस सेवक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे भगवान के द्वारा दिए गए वो अनमोल ज्ञान, अनुभव और प्रेरणाएं आप तक पहुंचती रहे, जिसे श्री भगवान ने समर्पण और गुरु का नाता जोड़ने के बाद आप सभी को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए आपके इस सेवक को प्रदान किया है। आप सभी भाइयों बहनों को भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई हो। प्रेम से बोलो, जय श्री राम।